अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टेज पे बैठे आज के हमारे प्रेसिडेंट शेख अंसारी साहब, पॉपुलर फ्रंट के दीगर स्टेट लीडर्स और हमारे दीगर गेस्ट मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, आप सबका मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल कमेटी की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े एक तादाद में आप लोग यहाँ पर आए। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि, और यहाँ पर भी कहना चाहूँगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में आना ये बहुत बड़ी बात है। कोई दूसरे प्रोग्राम में जाना, किसी फंक्शन में जाना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जा सकता है। पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में जाने का मतलब है आफत को, प्रॉब्लम को इन्विटेशन देना, प्रॉब्लम को इनविटेशन देना। मुझे पता है यहाँ पर भी बहुत सारे मस्जिदों में इंटेलिजेंस की तरफ से मैसेज गया होगा या सेंट्रल आईबी की तरफ से मैसेज गया होगा कि आपके मस्जिद के लोगों को पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में जाने मत दो। बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स के पास भी सेंट्रल आईबी के लोग गए होंगे, जाकर कहा होगा कि पॉपुलर फ्रंट को सपोर्ट मत करो। और उनसे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप कितना भी ये काम कर लो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों के दिलों में बस गई है, आप क्या करने से भी लोग हमारे से दूर जाने वाले नहीं हैं। बहुत सारे हमारे खिलाफ पिछले 1 वीक या 2 वीक्स में अगर आप देखेंगे, पूरे मीडिया में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर फ्रंट है। प्राइम टाइम में पॉपुलर फ्रंट, सुबह 7 बजे पॉपुलर फ्रंट, यानी जितने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उनके ब्रेकफास्ट में पॉपुलर फ्रंट है, लंच में पॉपुलर फ्रंट है, डिनर में पॉपुलर फ्रंट है। ये सब करने के बाद भी हम इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम इंडिया के अंदर कर रहे हैं। लोग हमसे पूछेंगे कब पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम्स बंद होंगे। नॉर्मली बंद होने चाहिए थे ना, जब इतना प्रॉब्लम हो रहा है हमारे प्रोग्राम्स बंद होने चाहिए थे। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हेन विल पॉपुलर फ्रंट प्रोग्राम्स स्टॉप, पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम कब बंद हो जाएंगे। उनको कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह जब तक इंडिया में पॉपुलर फ्रंट का लास्ट मेंबर रहेगा तब तक ये प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। और अगर वो लास्ट मेंबर भी खत्म हो गया तो पॉपुलर फ्रंट का जो माइंडसेट है, जब तक ये माइंडसेट रहेगा तब तक इंडिया में पॉपुलर फ्रंट का काम चलते रहेगा। एक जमाना था जब पॉपुलर फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आपको तब हम पर एक्शन लेना चाहिए था जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन थे। आज से 10-15 साल पहले पॉपुलर फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन था। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक माइंडसेट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कल्चर है। आप ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशंस का बैंक फ्रीज कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस बंद कर सकते हो, आप माइंडसेट और कल्चर को कभी भी बंद नहीं कर सकते। ये जो कैंपेन हमारा चल रहा है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे एक टाइम पर पॉपुलर फ्रंट का ऐसा एक कैंपेन, सेव द रिपब्लिक, ऐसा एक कैंपेन क्यों चल रहा है। असल में कैंपेन होना चाहिए थे सेव पॉपुलर फ्रंट, असल में कैंपेन होना चाहिए था सेव पॉपुलर फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट को बचाओ। लेकिन हम लोग सेव पॉपुलर फ्रंट कैंपेन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेव द रिपब्लिक कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है आज इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी चीज को है, हमारे रिपब्लिक को है, हमारे डेमोक्रेसी को है। और इस रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को बचाने में सबसे पहले सफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। क्योंकि आज 1947 में जो हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था, उस मुल्क को एक तानाशाही, अथॉरिटेरियन, एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट किया जा रहा है। इंडिया में अगर आप समझते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी दिन ब दिन सिर्फ पेपर में बाकी रह रही है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज एक्सप्रेशन पर पाबंदी है, आप बात नहीं कर सकते। मीडिया वाले तो बात करना 2014 में बंद कर दिए, बड़े बड़े ऑपोजिशन पार्टीज भी 2019 के बाद बात करना बंद कर दिए।
थोड़ा बहुत ऑपोजिशन और बातें सोशल मीडिया में हो रहा था, सोशल मीडिया में भी ऑपोजिशन की बातें बंद हो गई। अब फाइनल एक प्लेस बचा था जहां पर लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे, वो था पार्लियामेंट। लेकिन इस मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में भी एक नया डिक्शनरी लाया गया है कि ऑपोजिशन पार्टी के लोग क्या बोल सकते हैं क्या बोल नहीं सकते। जुमलेबाजी इल्लीगल हो गया, धोखेबाजी इल्लीगल हो गया, आप बोल नहीं सकते। यानी 2014 में आप रोड में बोल सकते थे, आज आप पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बोल सकते। जिन लोगों को आप इलेक्ट कर भेज रहे हैं वो लोग पार्लियामेंट में जाकर ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, तो फिर प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम किसी एक मुस्लिम कम्युनिटी या दलित या ट्राइबल को नहीं है सिर्फ, प्रॉब्लम आज इंडिया में पूरे के पूरे डेमोक्रेसी को है, पूरा का पूरा रिपब्लिक को है। ये प्रॉब्लम आज इंडिया के अंदर है और इस प्रॉब्लम को लोगों के सामने हम लेके जा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे डेमोक्रेसी को बचाने वाले जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए चंद इंस्टीट्यूट होते हैं। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चंद इंस्टीट्यूट्स को डाला गया है जो डेमोक्रेसी को बचाता है। एक एक कर सारे उन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर दिया गया। चंद लोग पूछते हैं आरएसएस 80 साल से क्या कर रहा था। जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हम लोग आरएसएस के संघ परिवार एजेंडा के बारे में यहां वहां कैंपेन करते थे, लोग हमसे पूछते थे मैं आप लोग पागल हो क्या, क्या कर रहा है आरएसएस, कुछ भी तो नहीं कर रहा है, वो लोग तो पावर में भी नहीं है। हम उनको बोल रहे थे कि आरएसएस जो है इंडिया के अंदर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर स्लीपर सेल्स बना रहा है। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आरएसएस ने स्लीपर सेल्स बनाए थे, वो स्लीपर सेल शाखा में ट्रेंड थे, जिनके अंदर हिंदुत्व आइडियोलॉजी डाला गया था और उन्हें कहा गया था कि आप लोग साइलेंट रहो, आरएसएस के एजेंट्स हो बट साइलेंट रहो, जिस दिन वक्त आएगा और आपको कहा जाएगा एक्टिवेट हो जाओ आप लोग एक्टिव हो जाओ। इसलिए आप लोग आज ऑल ऑफ अ सडन देख रहे हो ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जिनको आप बहुत सेक्युलर समझते थे, ऑल ऑफ अ सडन बीजेपी में जाकर हाइपर कम्युनल होते हैं। ये कभी भी सेक्युलर नहीं थे, ये बीजेपी के स्लीपर सेल्स थे, ये स्लीपर सेल थे आरएसएस के। आप देखते हैं चंद बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो एक जमाने में बड़ी बड़ी कम्युनल हार्मनी की बातें करते थे, आज रात 9 बजे वो जर्नलिस्ट प्योरली एक एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा भैया इतना अच्छा आदमी इतना बुरा कैसे हो गया, ये कभी भी अच्छा नहीं था, ये आरएसएस का स्लीपर सेल एजेंट था जिसको इतने साल डीएक्टिवेट करके रखा गया था, आज उसको एक्टिवेट किया गया है। ये स्लीपर सेल्स के थ्रू आरएसएस ने 80 साल काम किया और आज हम देख रहे हैं इंडिया के मेजर इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, जुडिशियरी को कंट्रोल किया जा रहा है, हर इंस्टीट्यूट को कंट्रोल किया जा रहा है, ऑपोजिशन पार्टी साइलेंस है। अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी बात करता है आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी और इनकम टैक्स का रेड्स हो रहे हैं। या तो आप ईडी और इनकम टैक्स का रेड से डर जाओ या फिर आप बीजेपी के साथ चले जाओ, पार्टी को डिवाइड करो। तमिलनाडु में बीजेपी का एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। यहाँ के बीजेपी प्रेसिडेंट ने भी 1 वीक पहले स्पीच में कहा है जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना को फैमिली मेंबर्स के थ्रू डिवाइड किया गया, उसी तरीके से तमिलनाडु में भी डीएमके को डिवाइड करने का काम चल रहा है। आपको क्या लगता है लोग डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते? ऑलरेडी डीएमके में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लीडरशिप चाहते हैं, ऑलरेडी डीएमके में ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनके पास ईडी के और इनकम टैक्स के केसेस हैं, सिर्फ अमित शाह को उनके सामने जाके फाइल रखना है। फिर आप देखेंगे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में रिसोर्ट ओपन है और रिसोर्ट में जाके बैठ कर पार्टी को डिवाइड करने के लिए। तृणमूल कांग्रेस में भी इसी तरीके का शिवसेना एग्जाम्पल इंप्लीमेंट किया जाने का प्लान चल रहा है, डीएमके में भी चल रहा है, एडीएमके तो आपने देखा ऑलरेडी काम हो गया है। तो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ऐसे रीजनल पार्टीज हैं,
टीआरएस है, ये सारे बड़े बड़े रीजनल पार्टीज में सेम टू सेम शिवसेना फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है उसको डिवाइड करने के लिए। ये पावर गवर्नमेंट आज इंडिया में रखती है। मैं ये आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने ज्यादातर मुसलमान हैं। हमारी एक आदत है डूबते को तिनके का सहारा। कभी कभी चंद पॉलिटिकल पार्टीज पर इतना भरोसा कर देते हैं, उनके नाम के सामने सिर्फ रजी अल्लाह ताला ना लगाना बाकी रह जाता है, सिर्फ उतना बाकी रहता है, बाकी सब हो जाता है। हमें यह बचा लेंगे। महाराष्ट्र में देखिए ऐसी तारीफें उद्धव ठाकरे की, पार्टी खत्म हो गई उसकी। आपको क्या लगता है तमिलनाडु में जिन लोगों को आप मसीहा समझते हैं कल उनकी पार्टी को ये लोग अगर डिस्ट्रॉय करेंगे कौन सा मसीहा आपका रहेगा? अगर तृणमूल को ये लोग डिवाइड कर देते हैं कौन सा मसीहा रहेगा? तो ये जो एक मेंटेलिटी है, एक यहां वहां मसीहा को ढूंढने की, वो मेंटेलिटी छोड़िए, ये मेंटेलिटी कहीं काम आने वाले नहीं है। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, एम्पावर्ड होना होगा, खुद मुख्तार होना होगा। ये दूसरों पर जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी में हम नहीं जाएंगे, अलायंस में जाइए, डिपेंडेंसी में मत जाइए, क्योंकि डिपेंडेंसी में आप सिर्फ और सिर्फ कूली का काम करेंगे, अलायंस में आप पार्टनर का काम करेंगे, याद रखिए, और पार्टनर कूली से बेहतर होता है। ये एक चीज हमें सोचनी होगी कि आज से 5-10 साल बाद क्या होगा, आज के बारे में मत सोचिए, 5-10 साल के बाद सोचिए। तो ये एक अथॉरिटेरियन सिस्टम इंडिया के अंदर आ रहा है। इसके साथ अगर आप देखेंगे मुस्लिम जेनोसाइड, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया के अंदर जेनोसाइड के बारे में कोई ओपनली बात करेगा। हम तो सोचते थे जेनोसाइड तो वो तो सिर्फ आर्मेनिया में हो सकता है, या फिर बोस्निया में हो सकता है, या फिर कंबोडिया में हो सकता है, या फिर रवांडा में हो सकता है। हमारे इंडिया में जेनोसाइड के बारे में बात करना ही इल्लीगल है करके हम सोच रहे थे, लेकिन आज पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह धर्म संसद कर ओपनली जेनोसाइड की बात की जा रही है, ओपन जेनोसाइड। और किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया को प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस को प्रॉब्लम नहीं है। पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम्स में हमें पुलिस के तरफ से इंस्ट्रक्शंस आता है आप क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैं एक चीज बताता हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कभी भी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ हम कभी भी नहीं बोलेंगे, आज भी नहीं बोल रहे हैं, कभी बोलेंगे भी नहीं, आप फिक्र मत कीजिए उस चीज का, यह हमारा डीएनए नहीं है। लेकिन मैं उसी पुलिस से, उसी मीडिया से, उसी सिक्योरिटी एजेंसी से मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके आंखों के सामने धर्म संसद कर पूरे के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का जेनोसाइड की बातें हो रही है, तब आपको उसके अंदर हेट स्पीच नजर नहीं आता? मोहम्मद जुबेर के एक ट्वीट में आपको हेट स्पीच नजर आ जाता है, लेकिन हर दिन सोशल मीडिया वीडियोस कर मुसलमानों का कत्लेआम करने के स्पीचें होती हैं, मुसलमान औरतों का रेप के स्पीचेस होते हैं, इसमें आपको हेट स्पीच नजर नहीं आता? वो इसलिए क्योंकि आज संघ परिवार ने इंडिया में एंटी मुस्लिम हेट को नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉर्मलाइज का मतलब होता है किसी को भी पड़ी नहीं है। कल मैंगलोर में एक 18 साल के मुसलमान नौजवानों का कत्ल हुआ, कल। एक दिन पहले आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया के एक रियासत के अंदर कत्ल हुआ। यानी 2014 में जब एक अखलाक का मर्डर होता था, लिंचिंग होता था, पूरे इंडिया में न्यूज बन जाता था। आज पूरे इंडिया में अलग 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 जगह मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। Why? The death and killing of Muslims have been normalized. नॉर्मल हो गया, मुसलमान मर रहे हैं, नॉर्मल। कौन सी नई न्यूज है? नया न्यूज बताओ। ये जो एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ एंटी मुस्लिम क्राइम्स है, ये बहुत बड़ा एक डेंजर हमारे मुल्क के सामने है। ये जेनोसाइड का अगर आप देखेंगे, मैं हमेशा मेरे पुराने स्पीचों में सिंबलाइजेशन के बारे में बोल रहा था। सिंबलाइजेशन का मतलब मुसलमानों से जुड़ी हुई हर वो सिंबल को नफरत करो। हिजाब से नफरत, हर चीज से नफरत, अजान से नफरत, हर चीज से नफरत। अभी
जो सिचुएशन हो रहा है इंडिया में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इस्लाम चल रहा है, यूपी के अंदर चंद हमारे मुसलमान साथी एक रेलवे स्टेशन के कॉर्नर में जाके नमाज पढ़ रहे थे, उन पर भी केस। आप लोगों को याद होगा एक जमाना था, आप एयरपोर्ट में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, कहीं पर भी शादी में महल में जाओ, कहीं पर भी जाओ, नमाज का वक्त होते ही मुसलमान एक कोने में रुककर, किसी को डिस्टर्ब किए बगैर, एक कॉर्नर में रखकर मुसलमान अपना नमाज पढ़ते थे। क्योंकि हमारे लिए नमाज जगह देख के नहीं पढ़ी जाती, हमारे लिए नमाज टाइम देख के पढ़ी जाती है। एक कोने में रुककर हम पढ़ते थे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज मुसलमानों का नमाज पढ़ना ही एक टेरर एक्टिविटी हो गया है, मुसलमानों का नमाज पढ़ना टेररिज्म हो गया है, टेरर एक्टिविटी, इट्स अ क्राइम। ये इतने सालों का काम है। आप लोग पूछ रहे हैं सिचुएशन कब चेंज हुआ, आरएसएस ने क्या किया, ये किया कि एक मामूली एक कॉर्नर में नमाज पढ़ना भी क्राइम हो गया है, अजान देना भी क्राइम हो गया है, हिजाब पहनना भी क्राइम हो गया है, हलाल खाना भी क्राइम हो गया है। और अभी इसका और एक स्टेज में वो लोग आ गए हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत जरूरी बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी नया फेज में जो आप आए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का फेज है। ऑर्गेनाइजेशन का फेज जेनोसाइड का मतलब यह है, ऑर्डिनरी लोग जिनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ऑर्डिनरी लोगों के हाथों में वेपन्स पहुंचा रहे हैं और ऐसे ऑर्डिनरी लोगों को वेपन्स ट्रेनिंग देकर मुस्लिम्स कत्ल करने का ये लोग प्लान बना रहे हैं। और उसी का मिजाज आप देख रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, आरएसएस और संघ परिवार की तरफ से आप देखेंगे वेपन्स ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये वेपन ट्रेनिंग क्या है, ये वेपन्स ट्रेनिंग क्या है, ये जेनोसाइड का ऑर्गेनाइजेशन जो फेज है, स्टेज है, उस स्टेज का हिस्सा है जिसमें ऑर्डिनरी लोगों के हाथ में वेपन्स दिया जा रहा है। ये सारे चीजें आज आपके सामने आ रही हैं, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस दिन से हम लोग शुरू हुए हैं उस दिन से हम लोग ये बात कह रहे हैं। उस वक्त लोग हंसते थे हम पर, जब आज से 20 साल पहले जब हम ये सारे बातें बता रहे थे कि इंडिया में आरएसएस का एजेंडा ये है, लोग हंसते थे हम पर, ये एजेंडा इंडिया में कब होगा, वो हंस रहे थे हम पर उस वक्त। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले जो पॉपुलर फ्रंट ने बोला आज वो इंडिया में हो रहा है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ बताया नहीं, जहां जहां पॉपुलर फ्रंट है, जहां जहां पॉपुलर फ्रंट है वहां पर हमने आरएसएस के इस एजेंडे को स्टॉप करने की दिन रात कोशिश की, आज भी कर रहे हैं और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। इस बार रामनवमी के वक्त पूरे इंडिया में दंगे किए आरएसएस के लोगों ने, प्लैंड दंगे किए। लेकिन आप सब किसी ने नोट किया होगा, जिन जिन मोहल्ले में पॉपुलर फ्रंट है वहां पर दंगे नहीं हुए, याद रखिए, जिन जिन मोहल्लों में पॉपुलर फ्रंट है वहां आरएसएस ने दंगे नहीं किए। यहां तक के इंटेलिजेंस के लोग यहां तक कह रहे थे कि जिस गली में भी पॉपुलर फ्रंट का पोस्टर लगा है उस गली में आरएसएस वाले नहीं आते। और ये पूरी इंडिया की बात है, ये काम हम लोग किए पिछले 20 साल से, अवेयरनेस ऑर्गेनाइज किए, लोगों को अवेयर किए, लोगों को आरएसएस का एजेंडा क्या है बताए, और इसलिए आज हमें टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। आप ये मत समझिए आज ही टारगेट हो रहा है, जिस दिन से हम शुरू हुए उस दिन से हमें टारगेट किया जा रहा है। कितने क्या हमारे भाई शहीद हुए हैं, पॉपुलर फ्रंट के कितने भाई शहीद हुए हैं, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में, इस साल में हमारे भाई शहीद हुए, ये साल में। उन्होंने सोचा हमारे पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स को कत्ल करके पॉपुलर फ्रंट को डराया जाएगा। हमारी तंजीम ऐसी है जब हमारे मेंबर के मेंबर शहादत पाते हैं हम डरते नहीं, हमारे अंदर हिम्मत और आ जाती है। और वही आज पूरे इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं और बढ़ रहा है। फिर उन्होंने लोकल पुलिस को यूज किया फेक केस डालने के लिए, हुआ नहीं। फाइनली आज आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट को ऑर्डर दे रहा है कि हम पॉपुलर फ्रंट को रोक नहीं सकते, हमने 20 साल कोशिश की हम रोक नहीं सकते, अभी आप लोग गवर्नमेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करके, ईडी, एनआईए सबको इस्तेमाल करके इन्हें रोकिए। मैं अभी एक बात आपके सामने रख रहा हूं, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के तरफ से बीजेपी को गया है, बीजेपी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ईडी, एनआईए, आईटी को गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
पॉपुलर फ्रंट को रोकने के लिए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से 20 साल से आप हमें रोक नहीं सके, इंशाल्लाह आगे भी आप हमें रोक नहीं सकेंगे। उसकी छोटी वजह यह है, जो चीज देखकर आप हमें डरा रहे हो, जो प्रॉब्लम्स बताकर आप हमें डरा रहे हो, ये प्रॉब्लम्स होंगे करके ही हम लोग इस तंजीम में ज्वाइन हुए हैं। हम लोग इस तंजीम में प्रॉब्लम से बचने के लिए ज्वाइन नहीं हुए, हम लोग इस तंजीम में ये जानकर ज्वाइन हुए हैं कि इस तंजीम में काम करने में दुनिया भर के प्रॉब्लम आएंगे और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम आए हैं। तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम से किसी पॉलिटिशियन को डराओ, किसी स्कैम वाले को डराओ, पॉपुलर फ्रंट को मत डराओ। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। ये सारा चीज हमने प्रेडिक्ट किया था। और ये जो डिफेमेशन कैंपेन हमारे सामने चल रहा है, एंटी नेशनल, एंटी नेशनल। हाल ही में मुझसे एक मीडिया ने पूछा, पॉपुलर फ्रंट एंटी नेशनल काम क्या कर रहा है? मैंने उससे पूछा, एक काम बताओ जो एंटी नेशनल है, एक काम बताओ जो एंटी नेशनल है, बताइए एक काम। एंटी नेशनल का मतलब क्या है? देश के विरुद्ध। क्या देश के विरुद्ध हमने किया है? क्या ऐसा काम देश के विरुद्ध किया है? देश का मतलब क्या है? देश का मतलब मैप नहीं है, देश का मतलब जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, देश का मतलब देश के लोग हैं, देश के पब्लिक है। और पॉपुलर फ्रंट ने हमेशा इस देश के पब्लिक के लिए काम किया है, हमेशा। अभी हाल ही में कोविड हुआ था, ऐसा एक टाइम कि एक बेटा भी अपने बाप के डेड बॉडी को दफन करने के लिए रेडी नहीं था, वैसे टाइम पर पूरे इंडिया में अपनी जान की फिक्र किए बगैर 7,000 से ज्यादा बॉडियों को हमने फ्यूनरल कराया। जब फ्लड्स आते हैं, चेन्नई में फ्लड आया था, गवर्नमेंट फील्ड में आने से पहले वहां पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स मौजूद थे। आसाम में फ्लड चल रहा है, आसाम की गवर्नमेंट शिवसेना के एमएलएस को मैनेज करने में बिजी थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर गरीब लोगों को फ्लड में बचाने में बिजी थी। केरला में फ्लड आता है, ऐसी जगह जहां पर बड़े बड़े एजेंसीज के गाड़ी नहीं पहुंच सकते, वहां के पॉपुलर फ्रंट के मेंबर तैर के जा रहे थे। ये एंटी नेशनल है, लोगों की खिदमत करता एंटी नेशनल है। हर साल 1,000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं, हर साल 1,00,000 से ज्यादा लोग बच्चों को हम स्कूल बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एंटी नेशनल है, लेकिन गवर्नमेंट के मुताबिक ये एंटी नेशनल है, इसलिए हमारे बैंक्स को फ्रीज किया गया है ताकि किसी बच्चे को पॉपुलर फ्रंट स्कॉलरशिप ना दे सके, किसी गरीब बच्चे को पॉपुलर फ्रंट स्कूल बैग ना दे सके, इसलिए हमारा बैंक को फ्रीज किया गया है। ये लोग कह रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर डीरेडिकलाइजेशन ला रहा, है। जब ISIS का इशू चल रहा था, पूरे यूरोप और अमेरिका के लोग ISIS को जा रहे थे, 5,000 से ज्यादा लोग सिर्फ यूरोप से गए हैं, अमेरिका से कितने गए हैं, इंडिया में कितने गए मुसलमान ISIS में बताइए, कितने गए? 90 भी नहीं गए। 20 करोड़ मुसलमानों में 90 लोग भी नहीं गए। क्यों? कि उस वक्त पॉपुलर फ्रंट जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ISIS के अगेंस्ट एक नेशनल कैंपेन किया था रोड पर, हमारी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये सारे काम आपको एंटी नेशनल लगते हैं? असल में पॉपुलर फ्रंट के इसी काम से ही नहीं प्रॉब्लम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर चीज में बात करती है। देखिए जितना कमिटमेंट से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गरीबों के लिए काम कर रही है, मैं बताता हूं आपको, मैं RSS को भी बताना चाहता हूं, जितना कमिटेड हमारा एक मेंबर एक फ्लड में एक गरीब आदमी को बचाने के लिए कमिटमेंट दिखाता है, जितना कमिटमेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गरीब स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने में दिखाती है, उतना ही कमिटमेंट जब भी इंडिया के ये फैसिस्ट इंडिया के आवाम के हक छीनने की कोशिश करेंगे तब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उतना ही कमिटमेंट दिखाएगा। आप खामोश रहो, पॉपुलर फ्रंट भी अपना काम करेगा। लेकिन आप अगर काशी मथुरा किए, अगर आप मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीनने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको डेमोक्रेटिक एजिटेशन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रास्ते में मिलेगी।
तो ये समझना कि पॉपुलर फ्रंट ये सब चीजों से खामोश रहेगा तो वो तो होने वाला नहीं। मैं मेरी बात खत्म करते हुए आप लोगों से एक दरख्वास्त करके मेरी बात खत्म करता हूं। देखिए आज का माहौल मैंने आपके सामने रखा, मुझसे अच्छा आपको पता है। इस माहौल में आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है जो हो रहा है होने दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने आप आरएसएस वाले सुधर जाएंगे, अपने आप वो मुसलमानों से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, ये जो आरएसएस संघ परिवार का फैसिस्ट एजेंडा है, ये जो आरएसएस का जो एक जेनोसाइड करने का एक प्लान है, उस प्लान को रोकने के लिए आपको जो पॉसिबल है वो पॉसिबल काम आप करो। ये दो ऑप्शन है। पॉपुलर फ्रंट में तो हमने ये सेकंड ऑप्शन को अपना लिया है। हमने सेकंड ऑप्शन को अपना लिया है वो इसलिए क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई बुजुर्ग आदमी आते हैं उनसे हम लोग पूछते हैं 1947 में आप थे क्या, वो कहते हाँ मैं 1947 में था। ब्रिटिश लोगों के टाइम आप थे क्या, हाँ मैं था। जब ब्रिटिश इंडिया में इतना जुल्म कर रहे थे, आपको भी बहुत केसेस हुए होंगे आपके ऊपर, तब वो बुजुर्ग आदमी अगर हमसे कहते हैं नहीं नहीं मेरे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तब छोटे छोटे बच्चे हम कहते थे इसका मतलब आप ब्रिटिश के खिलाफ कुछ करेज नहीं, ब्रिटिश इतना जुल्म कर रहे थे आपने ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ किया नहीं, ना तो क्विट इंडिया मूवमेंट किया, ना तो नॉन कॉपरेशन किया, अगर आप करते तो आपको भी ब्रिटिश प्रॉब्लम में देते। उसी तरीके से आज से 30-40 साल बाद जब इंडिया में छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे, इंडिया में जब डेमोक्रेसी को खत्म करके अथॉरिटेरियनिज्म या आरएसएस बीजेपी ला रहा था, क्या आप लोग उस वक्त थे? हाँ हम उस वक्त थे। आपको उस वक्त उन्होंने बहुत प्रॉब्लम दिया क्या? नहीं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिया। इसका मतलब जब वो इंडिया के डेमोक्रेसी को अटैक कर रहे थे, जब वो इंडिया में लोगों के हुकूक को छीन रहे थे, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। क्या शर्म का एक मोमेंट होगा जब छोटे बच्चे आपसे ये पूछेंगे और आपके पास जवाब नहीं रहेगा? इंशाल्लाह पॉपुलर फ्रंट का हर एक मेंबर उस वक्त कहेगा हाँ हम लोग थे, हमारे पीछे ईडी आई, हमारे पीछे एनआईए आई, हमारे पीछे इनकम टैक्स आए, हमारे ऊपर केसेस पड़े, हमारे खिलाफ मीडिया आया, हम उनकी सबसे बड़े ऑपोजिशन थे। और ये हमारे लिए सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट। आज जो पॉपुलर फ्रंट के मेंबर जेलों में हैं, बेकसूर मेंबर जेल में हैं, हम उनको अपराधी नहीं समझते, हम उन्हें आरोपी भी नहीं समझते, हम समझते हैं वो आज के जमाने में डेमोक्रेसी के सबसे बड़े वॉरियर्स हैं। और आज से 20-30 साल बाद शायद बड़े बड़े लोगों को बच्चे याद नहीं रखेंगे, लेकिन जेल में रहने वाले अंशद फिरोज जैसे लोगों को इंशाल्लाह लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया, जिन्होंने जालिम के सामने हक की बात बोली अपने प्रॉब्लम्स की परवाह किए बगैर। तो आप लोगों के सामने भी ये दो ऑप्शन है, या तो खामोश रही है और जो प्रॉब्लम आता है आंख बंद कर सह लीजिए, या फिर इंडिया के अंदर हमारे सामने आज भी जो अलग अलग डेमोक्रेटिक मीन्स हैं उस डेमोक्रेटिक मीन्स को इस्तेमाल कर जुल्म के सामने आवाज उठाइए। इंशाल्लाह अगर आप लोग इस दूसरे ऑप्शन में आएंगे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम आपसे वादा करते हैं आपके साथ हर कदम इंशाल्लाह पॉपुलर फ्रंट रहेगा। एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला 20 साल डिसाइड करेगा। हमारे सामने ऑप्शन है, मैं ये सवाल आपके सामने रखकर कि आप कौन से ऑप्शन में जाएंगे और आने वाला मुस्तकबिल, आने वाले बच्चों को आप कैसा इंडिया देंगे, ये सवाल मैं आपके सामने रखकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। वाकिर दाना अलहमदुल्ला रबीआलमी। अल्लाम।